नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत और आप देख रहे हो आपका फेवरेट इजी डीटीएच फ्रीटेल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक बहुत ही खुशखबरी देंगे आप लोगों को। सेस 12 जो सैटेलाइट है, जो अमेरिकन सैटेलाइट है, जहां पे आपका डिश टीवी का सिग्नल मिलने वाला था, वो सैटेलाइट एक्चुअल में लॉन्च हुआ था 4 जून 2018 में। तो दोस्तों ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, लगभग 9 महीना गुजर गए। उसके बाद यहाँ पे 26 फरवरी 2019, मतलब के 2 दिन पहले ही ये सैटेलाइट पूरी तरह से लॉन्च किए गए। और ये खबर आ रहे सेस के वेबसाइट से। दोस्तों ये जो सैटेलाइट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट हो जा रहा है। अब तक सेस ने जितने सारे सैटेलाइट को आसमान में छोड़े थे, उनमें से ये सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट है। दोस्तों इसका जो कवरेज है, एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट में कवर करते हैं। आप लोग देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पे मैप दिए हैं ये कवर करते हैं। और दोस्तों इस सैटेलाइट में बहुत सा नया टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। सैटेलाइट में आपका 6 वाइड बीम मिलेगा और 72 स्पॉट बीम मिलता है। तो दोस्तों ये पश्चिम के साइप्रस से लेके पूरा आपका जापान तक ये कवर करता है, और उत्तर के रशिया से लेके दक्षिण में आपका ऑस्ट्रेलिया में इसका कवरेज है। और दोस्तों इस सैटेलाइट का जितना सारा बीम है, जैसे कि 6 वाइड बीम है और 72 स्पॉट बीम, उसमें से साउथ एशिया जो बीम है, वही बीम को आपका डिश टीवी इंडिया के लिए ये यूज किया जाएगा। NSS 6 को तो आपको मालूम ही है, NSS 6 का बहुत सारा दिन हो गया, उनका जो सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में इसका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हट जाएगा। और दोस्तों ये जो सैटेलाइट सेस 12 ये लॉन्च किया गया था, और इसका जो अभी ऑर्बिटल पोजीशन है 94.5 डिग्री, DDFID इसका पोजीशन है 93.5 और इसका पोजीशन है 94.5 डिग्री ईस्ट पूरब। और सेस का और एक सैटेलाइट है जिसका नाम है सेस 8, जो डिश टीवी श्रीलंका का सर्विस मिलता है। तो दोस्तों डिश टीवी श्रीलंका का सर्विस जो सेस 8 से मिलता है, और सेस 12 जो ऑर्बिटल पोजीशन लगभग एक ही जगह में हो जा रहा है, और यहाँ पे सेस 12 से आपका मिलेगा डिश टीवी इंडिया का सर्विस। तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम चल रहा था, डिश टीवी का सिग्नल का प्रॉब्लम चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो सेस के जो वेबसाइट है www.ses.com, वहां जाके भी विजिट कर सकते हो। इन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह से वीडियो यानी कि DTH सर्विस और आधार नेटवर्क का सर्विस के लिए पूरी तरह से अभी तैयार है। और दोस्तों अमेरिकन सेस ग्रुप से जितना सारा सैटेलाइट को छोड़ा गया है, उनमें से सेस 12 जो सैटेलाइट हो जा रही है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है इसमें। दोस्तों और एक चीज आपको मिलेगा, यहाँ पे अल्ट्रा HD पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 4K पिक्चर। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो। इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं कि 26 फरवरी को ये सैटेलाइट जो है पूरी तरह से अभी तैयार है इन लोगों का DTH जो सर्विस है वो देने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में डिश टीवी का चैनल देखने को मिल रहा है, वो सेस 12 में अभी ट्रांसफर होने जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो विजिट करके देख सकते हो, पूरा जानकारी वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करना, लाइक करना। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि कब सेस 12 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, मतलब कि ऑफिशियली ये काम पे लग जाएगा। उन लोगों का ऑर्डर का काम खत्म हो गया, अभी ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है 26 से ये पूरी तरह से DTH सर्विस देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अगर आप नए देख रहे हो, DTH का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगला एक नए वीडियो में, फिलहाल ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।